दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी। दोहा से चलने वाली यही वो कंपनी है जिसमें रिटायर्ड नेवी कमांडर पूर्णेंदु तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिसमें बाकी के पूर्व नेवी अफसर काम करते थे, जिन्हें महज 423 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद सीधे मौत की सजा सुना दी गई। कथित तौर पर जासूसी के आरोप में सजा सुनाने वाली कतर की अदालत ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इन भारतीय नागरिकों के वकीलों और परिवार के सदस्यों को अभी तक 26 अक्टूबर का अदालत का आदेश नहीं मिला है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही स्थितियां संदिग्ध रही हैं। 30 अगस्त 2022 को पुलिस ने इन 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था, लेकिन 1 महीने तक भारतीय एम्बेसी को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। 1 अक्टूबर को पहला कॉन्सुलेट एक्सेस मिला, जिससे पता चला कि इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी तनहा कैदी बनाकर रखा गया है। हालांकि एक दिन पहले यानी 30 सितंबर को गिरफ्तार किए गए पूर्व नेवी अफसरों की उनके परिवार वालों से बात कराई गई। नौसैनिकों को हर रविवार परिवार से 5 मिनट बात करने की इजाजत दी जाती थी। वो केवल अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, चुनिंदा मुद्दों पर ही बात कर सकते हैं। 8 नौसैनिकों का परिवार एक बार उनसे कतर जाकर मिला था और इसके लिए उन्हें एक सेफ हाउस ले जाया गया था। ये मुलाकात तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चली थी, लेकिन मुलाकात के पहले ये साफ कर दिया गया था कि उनकी बातें रिकॉर्ड की जाएंगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि कतर में रहने वाले रसूखदार पाकिस्तानी फौज के रिटायर अधिकारी कतर के सेना से लेकर तमाम संस्थाओं तक दखल रखते हैं। और इसमें पाकिस्तान की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध है क्योंकि वायुवीर अभिनंदन के मुद्दे पर घुटनों पर आया जिन्ना लैंड हमेशा उन देशों के साथ भारत के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश करता है जिसके साथ भारत के ज्यादा बेहतर रिश्ते हैं।